नमस्कार। एक हैं सचिन तेंदुलकर, देश में कई लोग हैं जो उन्हें क्रिकेट का भगवान कहते हैं। उस कालखंड में क्रिकेट के अनगिनत पुराने रिकॉर्ड उन्होंने ध्वस्त किए, नए कीर्तिमान स्थापित किए। देश में एक स्वर से मांग उठी कि वे भारत के कोहिनूर हैं, उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और अंततः जनमत ने विवश किया तो फरवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। सभी जानते हैं कि उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन उस मानसिकता को क्या कहें कि कांग्रेस ने मान लिया कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देकर उसने उन्हें खरीद लिया है। वह सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट भी कभी अपने लिए नहीं खेला, वह हमेशा ही अपनी टीम के लिए या उससे भी ज़्यादा अपने देश के लिए खेले। उन्होंने आवेश में आकर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। अगर किसी प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी ने उनके खिलाफ कभी कोई टिप्पणी भी की तो उन्होंने उस टिप्पणी का जवाब जुबान से देने के बजाय अपने बल्ले से ही दिया। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए कि उन्हीं सचिन ने जब भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी दखलंदाजी की आलोचना की तो विपक्षी दल खासकर कांग्रेस उन पर ही टूट पड़ी। इतनी हिमाकत, हमने भारत रत्न दिया और हमारे रुख के खिलाफ बोल रहे हो। भारत रत्न दिया है कोई मजाक नहीं, कांग्रेस के जर खरीद गुलाम हो गए हो। गुलाम को यह हक नहीं होता कि अपने मालिक की मर्जी के खिलाफ जाए। जर खरीद गुलाम अगर बागी हो जाए तो उसे सजा दी जानी चाहिए। सचिन ही क्यों, लता मंगेशकर जिसके एक गीत को सुनकर स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखें छलछला आई थी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, आज भी सुनने वाले को भाव विभोर कर देता है। उन लता जी ने भी सचिन के स्वर में स्वर क्या मिलाया, मानो घोर अपराध कर दिया। फिल्म स्टार अक्षय कुमार भी अपराधी हो गए कांग्रेस की नज़र में। मतलब समझिए, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जिन महापुरुषों को सम्मान दिया, कांग्रेस मानती है कि उनका स्वयं का कोई वजूद नहीं था। हमने सम्मान दिया, एहसान किया, अब जिंदगी भर हमारे इशारों पर नाचो। देश के प्रति नहीं, कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखो। इसलिए इन सभी की जांच होगी। यह जांच महाराष्ट्र सरकार करवाएगी। जांच इस मुद्दे पर होगी कि क्या इन लोगों ने भाजपा के कहने पर किसान आंदोलन के बारे में ट्वीट किया है। अब मान भी लिया जाए, भाजपा के आग्रह पर ही इन प्रतिष्ठित लोगों ने ट्वीट किया, उसमें गुनाह क्या हो गया? कानून की कौन सी धारा में इन्हें अपराधी घोषित किया जाएगा? किसी पार्टी के कहने पर ट्वीट करना गुनाह हो तो हमें भी बताइए। इस तरह तो स्वयं कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला और अन्य नेताओं ने रेहाना के ट्वीट को रिट्वीट करके भी गुनाह किया है। उसकी सजा कांग्रेस को पहले तय कर लेनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर हो या लता मंगेशकर या अक्षय कुमार, ये लोग शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की मेहरबानी से स्टार नहीं बने हैं, यह उनकी अपनी मेहनत की कमाई है। वे उद्धव ठाकरे नहीं हैं जिन्हें बाल ठाकरे का उत्तराधिकार मिला हो। यह सियासत में ही होता है कि कुर्सियां उत्तराधिकार में मिलती हैं। गांधी परिवार के राहुल बाबा, एनसीपी के अजीत पवार और शिवसेना के उद्धव ठाकरे को कुर्सी उसी परंपरा के तहत हासिल हुई है। लेकिन सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार जैसे लोग अपनी दम पर महानता के शीर्ष पर पहुंचे हैं। चाहे जितना जोर लगा लो, जन मन में इनके प्रति नाराजगी पैदा होना असंभव है।
आसमान पर थूकने वालों का खुद का चेहरा ही गंदा होता है, यह समझना चाहिए। अब थोड़ी सी बात किसान आंदोलन की भी। चमोली में भयानक आपदा आई। इस भयंकर दुर्घटना पर कोई किसान नेता एक शब्द भी नहीं बोला। शायद उन्हें अफसोस भी हुआ होगा, तो केवल यह कि उसके कारण एक पूरे दिन किसी चैनल ने उनके जबरिया आंदोलन को महत्व नहीं दिया। देश में छोटी जोत वाले गरीब किसान 86% हैं, 14% किसान खूब धनी हैं। उन्हें आढ़तिये और दलाल कुछ भी कह लीजिए, यह आंदोलन केवल उनका ही है। असली किसान तो अभी भी खेतों में पसीना बहा रहे हैं। लाल किले पर दंगा करने वाला दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया। जब तक वह नहीं गिरफ्तार हुआ था, तब तक किसान नेता उसे भाजपा का एजेंट बता रहे थे। कह रहे थे कि उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अब उसकी गिरफ्तारी हो गई तो सबके मुंह में दही जम गया, सब चाई माई चुप हो गए। अब उन्हें डर सता रहा है कि दीप सिद्धू से भले कोई मतलब हो ना हो, लेकिन उसने भांडा फोड़ दिया तो क्या होगा, जैसा कि वह लगातार वीडियो प्रसारित कर कहता रहा। और 26 जनवरी को भारत की साख पर बट्टा लगाने वाले बाकी जो फरार घोषित हैं, वे तो हैं ही उनके अपने लोग, वे भी पकड़े जाएंगे। इधर संसद का सत्र खत्म, उधर किसान आंदोलन भी टाए टाए फिस, क्योंकि संसद में भी कोई सार्थक और तथ्यात्मक समर्थन तो उन्हें मिल ही नहीं रहा है, उल्टे उनकी खिल्ली ही उड़ रही है। नमस्कार।